हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सबको दिख ही रहा होगा कि कितना बड़ा पेंसिल बॉक्स का कलेक्शन मैं आप सब के लिए लेकर आ चुका हूं। और आप देख ही सकते हैं कितने सारे डिफरेंट टाइप्स के पेंसिल बॉक्स हैं और सभी के शेप और साइज कितने डिफरेंट है एक दूसरे से। और सारी की सारी जो पेंसिल बॉक्स है सबके एक कैरेक्टर बेस्ड पेंसिल बॉक्स है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हेलो किटी वाली है, ये बस स्टाइल है, ये एवेंजर वाली है, ये प्रिंसेस वाली है, स्पॉन्जबॉब वाली है, वो आयरन मैन वाली है, ये यूनिकॉर्न वाली है। तो सारी की सारी पेंसिल बॉक्स बिल्कुल एक से एक बढ़कर एक है और सभी बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से और सभी के अंदर बहुत यूनिक स्टाइल है। सो गाइज, मैं आपको एक एक करके सारी की सारी पेंसिल बॉक्स उठा के दिखाने वाला हूं और एक एक पेंसिल बॉक्स का डिटेल में रिव्यू बताने वाला हूं और कौन सी पेंसिल बॉक्स मैंने कितने की और कहां से खरीदी है, तो ये भी मैं आपको जरूर से वीडियो में बताने वाला हूं। सो गाइज, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि पूरा का पूरा वीडियो देखना एंड तक, तभी आप अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे और मेरी मेहनत का भी रिजल्ट मुझे मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के इनका रिव्यू जो है चालू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा हमारी एवेंजर्स वाली पेंसिल बॉक्स। ये देखिए गाइस, ये मैंने खरीदी है 250 रुपीस की, 250 रुपए की, ऑफलाइन चांदनी चौक दिल्ली की मार्केट से। और ये देखिए, इधर कैप्टन अमेरिका है और ये देखिए हल्क है और इधर भी बहुत सारे कैरेक्टर इधर दिए गए हैं और पीछे से कुछ इधर व्हाइट बोर्ड भी दिया जाता है जिसके ऊपर आप मार्कर से कुछ भी लिख करके बाद में मिटा सकते हैं। तो ये पेंसिल बॉक्स कुछ इस तरीके से खुलती है, टिफिन बॉक्स स्टाइल में पेंसिल बॉक्स खुलती है। ये देखिए, सबसे ऊपर हमें मिलता है इसके अंदर इरेजर, शार्पनर और एक ये देखिए एक मार्कर मिलता है विद ब्रश। और ये कैसे यूज करते हैं मैं आपको अभी बताऊंगा। और इधर स्केल है और इधर एक पेंसिल है। ये देखिए काफी बढ़िया तरीके से दिया गया है। और उसके बाद गाइस एक और स्पेस मिलता है, इसको आप हटा देंगे तो इसके नीचे भी आपको एक बहुत ही जबरदस्त जो है स्पेस मिल जाता है। और गाइस ये देखिए, अब हम इसको कर देंगे बंद और इधर से भी खोलेंगे तो इधर भी आपको बहुत बड़ी स्पेस मिल जाती है और दो दो व्हाइट बोर्ड मिल जाते हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। तो इसको कैसे यूज करना है ये देखिए, आपको इस तरीके से लेना है, ऐसे लिखना है और ऐसे बाद में आप मिटा सकते हैं। तो ये व्हाइट बोर्ड इस तरीके से काम करता है और इसके साथ में सबसे बड़ी बात है मार्कर भी मिल ही जाता है। तो ये पेंसिल बॉक्स आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, 250 रुपए में ये वैल्यू फॉर मनी लगता है मुझे। और इसके बाद गाइस मैं आपको दिखाता हूं हमारा सेकंड पेंसिल बॉक्स जो है, ये देखिए स्पाइडरमैन पेंसिल बॉक्स। और गाइस ये मैंने खरीदा 200 रुपीस का, 200 रुपए का। ये मैं आपको निकाल कर दिखाता हूं, ये मेरा फेवरेट है, काफी बढ़िया लगता है मुझे ये, क्योंकि ये स्पाइडरमैन का है, स्पाइडरमैन मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। और पूरा वीडियो देखना गाइस और आप कमेंट में बताना कि सबसे बढ़िया पेंसिल बॉक्स आपको कौन सा लगा, ये भी आप कमेंट में बताना जरूर से। तो ये देखिए गाइस, ये रहा हमारा स्पाइडरमैन का पेंसिल बॉक्स, ये 3D स्टाइल में है। ये देखो कुछ इस तरीके से स्पाइडरमैन जो नजर आता है, इधर लिखा है स्पाइडर सेंस स्पाइडरमैन और इधर OMG लिखा हुआ, इधर पीछे से प्लेन है। तो इधर के जिप दी गई है, काफी अच्छी क्वालिटी की जिप दी गई है। तो इसको खोलते हैं और ये देखिए हमने खोल लिया है और अंदर हमें इसके अंदर मिलता है काफी बड़ा स्पेस। और यहां पर आप जिप खोल के सूटकेस में जैसा स्पेस होता है वैसे ही है, इसके अंदर बहुत सारा सामान यहाँ पर रख सकते हैं, जो आपका सामान छोटा मोटा हो गिरेगा भी नहीं। और इधर अपनी पेन पेंसिल्स वगैरह फंसा करके रख सकते हैं और इधर आपका स्केल वगैरह और छोटे मोटे नोट्स वगैरह या पर्चियां वगैरह भी इधर से जो है आराम से आ जाती हैं। तो काफी बढ़िया चीज है ये, 200 रुपीज में मुझे काफी सही चीज लगी। तो ये आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और इसके बाद गाइज मैं आपको दिखाता हूँ हमारा जंबो पेंसिल बॉक्स। ये देखिए गाइज ये कितना बड़ा है, मेरे हाथों से आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये आपकी ये छोटी बुक के बराबर है। और ये कितना मोटा है ये भी आप देख सकते हैं, तो आप सोच ही सकते हैं कितना सारा सामान इसके अंदर आपका जो है आ सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको ऊपर का स्पेस दिखाता हूं। ये देखिए इधर आपको मिलता है एक शेड्यूल, पर्ची मिलती है, इसके अंदर आप शेड्यूल वगैरह अपना पूरा लिख सकते हैं, पूरा वीक का शेड्यूल इधर लिख सकते हैं। इधर आप अपनी पेन पेंसिल्स वगैरह फंसा करके रख सकते हो और वापस से ऐसे रख के ऐसे लिटा सकते हो, जब आपको निकालनी हो तो ऐसे निकाल के निकाल सकते हो। और यहाँ आपका स्केल वगैरह, इधर इरेजर शार्पनर आ जाता है ये देखिए। और इधर एक सीक्रेट स्पेस है, इस सीक्रेट स्पेस में आप बहुत कुछ रख सकते हो गाइस। ये देखो ऐसे करके आपको खोलना होता है, ये देखिए यहाँ पर अपने कॉइन्स वगैरह पैसे वगैरह होते हैं, 10 के सिक्के, 2 के सिक्के, 5 के सिक्के आप आराम से रख सकते हो। छोटी मोटी पर्चियां होती है, चीट होती है, वो भी आप इसके अंदर रख सकते हो। तो ये सीक्रेट स्पेस है। और इसके बाद गाइज ये देखिए इधर भी आप अपने जो है छोटे मोटे जो कलर पेंसिल्स होते हैं वो इसके अंदर अटका करके आप रख सकते हो बहुत ही आराम से। तो इसको कर देते हैं बंद और अब मैं आपको दिखाता हूं ये वाला स्पेस। तो ये देखिए इधर भी आप अपने पेन पेंसिल वगैरह रख सकते हो, इधर अपने इरेजर शार्पनर वगैरह और आप पैसे वगैरह रख सकते हो। और इसके बाद ये देखिए इधर अपना नेम और क्लास लिख सकते हो, जिससे कि आपकी पेन पेंसिल जो पेंसिल बॉक्स है गुम भी नहीं होगी। अब मैं आपको दिखाता हूं कुछ और सीक्रेट स्पेस। तो ये देखिए गाइस ये वाला बटन दबाते हैं क्या होता है, ये बटन दबाते ही यहां से निकलता है काफी बढ़िया स्पेस, यहां पर भी आप बहुत कुछ रख सकते हो। अब ये वाला बटन दबाते हैं तो ये बटन दबाते निकलता है शार्पनर,
ये बटन दबाते ही निकलता है एक सीक्रेट स्पेस जहां पर आप अपने पेन पेंसिल इरेजर शॉर्पनर और इधर का आप काफी सारे मतलब कॉइंस वगैरह पैसे वगैरह नोट वगैरह भी फोल्ड करके रख सकते हो। अब मैं दबाता हूं गाइस ये वाला स्पेस, ये स्पेस दबाते ही आपको एक सीक्रेट स्पेस मिलता है और ये दबाते भी एक सीक्रेट स्पेस मिल जाता है। तो ये कुछ इस तरीके से पेंसिल बॉक्स बाद में आपको जो है नजर आती है। तो आप देख ही सकते हैं कितनी सारी जगह है इसके अंदर, है ना ये गाइस, बहुत काम की पेंसिल बॉक्स है, मुझे बहुत पसंद है। और ये मैंने खरीदी 350 रुपीज की, 350 रुपए की, चांदनी चौक दिल्ली की मार्केट से। तो और ये एक बाद में आप ऐसे करके सारा सारे के सारे स्पेस जो है बंद भी कर सकते हो। तो ये कैसी लगी आपको पेंसिल बॉक्स कमेंट में जरूर बताना, ये मेरी फेवरेट में से एक है। तो इसको भी रख देते हैं और उसके बाद गाइस मैं आपको दिखाता हूं हमारी सेम इसी टाइप की जो है प्रिंसेस एल्सा वाली पेंसिल बॉक्स आती है और इसके अंदर भी इसी तरह के स्पेस दिए जाते हैं। ये थोड़ी उससे छोटी है, ये देखो उससे थोड़ी छोटी है लेकिन काम काफी लगभग तक वो वैसे ही करती है। ये देखिए पीछे भी आपको स्पेस मिलता है, यहाँ पर अपना नेम क्लास लिख सकते हैं, इधर टेबल भी लिखी हुई है। और ये देखिए और इसके सीक्रेट स्पेस ये वाले हैं इधर, ये देखिए इस तरीके से इसके सीक्रेट स्पेस जो है मिल जाते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से नजर आती है, ये देखो। अब आपको आप कमेंट में बताओ कि प्रिंसेस वाली पेंसिल बॉक्स जंबो पेंसिल बॉक्स ज्यादा अच्छी है या फिर स्पॉन्ज बॉब वाली, वो थोड़ी बड़ी है ये थोड़ी छोटी है, लेकिन कुछ लोगों को ज्यादा छोटी पसंद होती है, किसी लोगों को कुछ लोगों को बड़ी पसंद होती है। तो आप बताओ कि आपकी कौन सी फेवरेट है, बड़ी वाली या छोटी वाली। ये देखो है ना गाइस क्या मस्त, इसको खोलने और बंद करने में ही बहुत मजा आता है। और उसके बाद गाइस मैं आपको दिखाता हूं अपनी बस स्टाइल की ट्रैवल वाली पेंसिल बॉक्स, और ये मेटल की बनी हुई है और ये बहुत ही किफायती है गाइस। ये देखो तो ये देखो पूरी मेटल की बनी हुई है, इधर हैंडल भी दिया जाता है इसको होल्ड करके चलने के लिए, और इधर व्हील्स दिए गए हैं, ये व्हील्स घूमते भी हैं गाइस, इसको आप चाहे तो इस तरीके चला करके खेल भी सकते हैं। और ये देखिए गाइस मैं इसको खोलकर दिखाता हूं, तो ये भी कुछ इस तरीके से खुलती है सूटकेस के स्टाइल से, ये देखिए इस तरीके से खुलती है और तीन तीन इधर आपको स्पेस मिल जाते हैं, इधर टेबल लिखी हुई है, इधर भी स्पेस है और इधर भी काफी बड़ा स्पेस है। तो ये देखिए साइड से और फ्रंट से कुछ इस तरीके से जो ये नजर आती है, और कुछ इस तरीके से ये बंद जो है हो जाती है। तो इसका खुलने और बंद होने का स्टाइल मुझे बहुत पसंद है, और आप चाहे तो बाद में इससे खेल भी सकते हैं, इस तरीके से बस की तरह इसको चलाकर भी खेल सकते हैं। मेटल की बनी हुई है, ये सालों साल खराब भी नहीं होगी। और उसके बाद गाइस मैं आपको दिखाता हूं हमारी एवेंजर्स वाली एक और पेंसिल बॉक्स है, छोटी पेंसिल बॉक्स है गाइस, ये वाली खरीदी मैंने 300 रुपीज की, और ये वाली खरीदी मैंने गाइस 150 रुपीज की। इधर स्पाइडर मैन है, हल्क है, सुपर हीरो लिखा हुआ है, सेम इधर भी है। तो ऐसे खोलने के बाद गाइस इधर मिलती है हमें एक टॉर्च, एक लैंप मिलता है, इधर एक बटन दिया गया, इसको करते ही इधर लाइट जलती है और आप इसको जैसे मर्जी जिधर मर्जी मोड़ सकते हैं गाइस, ये पूरी फ्लेक्सिबल होती है, कहीं पर भी इसको मोड़ करके आप यूज कर सकते हैं। और ये देखिए इधर से बंद भी हो जाती है, और इधर आपको मिलती है बहुत सारी स्पेस, और ये बटन दबाते इधर से आता है शॉर्पनर के होल खुल जाते हैं, इधर से पेंसिल को शार्प कर सकते हैं, बाद में बंद कर सकते हैं, और इधर भी आप बहुत सारा सामान जो है रख सकते हैं, इधर टेबल भी लिखी हुई है, और इधर आप अपने कॉइन्स वगैरह रख सकते हैं। तो ये वाली पेंसिल बॉक्स 150 रुपए में काफी बढ़िया है। और उसके बाद हमारे पास है स्पाइडरमैन की कार स्टाइल की पेंसिल बॉक्स, और इसके अंदर एक सरप्राइज भी है, मैं आपको दिखा देता हूं खोल के। ये देखिए इसको खोलते ही इसके अंदर मिलती है एक और मिनी स्टाइल की कार स्टाइल की पेंसिल बॉक्स, ये देखिए। और ये भी इसके अंदर भी आप बहुत कुछ आप रख सकते हैं बहुत ही आराम से। तो मिनी पेंसिल बॉक्स इसके अंदर मिल जाती है, और इसके अंदर एक मिलता है स्पाइडरमैन का पेन, ये देखिए, और इसके अंदर लाइट भी जलती है, ये बटन दिया गया है, इधर लाइट जलती है, और आप इसको कुछ इस तरीके से जो है खोल करके यूज कर सकते हैं। सॉरी इस तरफ से खुलेगा, ये देखिए इस तरफ से खोल के आप यूज कर सकते हैं। तो ये पेंसिल बॉक्स कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। इधर टेबल लिखी हुई है और अंदर इसके काफी स्पेस जो है मिल जाता है। ये देखिए ये 200 रुपीज की मैंने खरीदी है, और 200 रुपीज में कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताना कार स्टाइल की पेंसिल बॉक्स। और उसके बाद गाइज हमारे पास है ये देखिए एक मिनी स्टाइल की वही सेम साइज की, ये देखिए एक हमारे पास एक और पेंसिल बॉक्स है, बस इधर एक बहुत कुछ ये दिया गया है, इसको मैं भूल गया हूँ क्या बोलते हैं, लेकिन इससे आप डायरेक्शन देखने में आपको बहुत हेल्प मिलती है, ये डायरेक्शंस देखने के लिए बहुत सही चीज है। तो ये कुछ इस तरीके से खुलती है, ये देखिए इधर स्पेस मिलती है काफी सारी, और ये देखिए ये बटन दबाते हैं इधर से शार्पनर खुल जाता है, इधर दो दो शार्पनर दिए गए, उनके अंदर सिंगल शार्पनर है, और ये बटन दबाने से एक सीक्रेट स्पेस मिलता है, और ये देखिए इधर बटन दबाने से वही दो स्पेस मिल जाते हैं, देखिए सारे खोलकर दिखा देता हूँ, ये देखिए, और कुछ इस तरीके से जो है बाद में नजर आती है ना गाइस, कितनी बढ़िया पेंसिल बॉक्स। तो इनको बंद कर देते हैं, ये देखिए हमने बंद कर दिया है, और इधर ये मिलता है डायरेक्शन देखने के लिए काम आता है, इसको जैसे भी मोड़ेंगे ये देखिए वैसे ही है, वही के वही घूमता रहता है, ये देखो आप देख सकते हैं ये अपने डायरेक्शन में वहीं पर आ जाता है, और इधर आप नेम और क्लास लिख सकते हैं, और इधर आप अपना बहुत सारा सामान जो है रख सकते हैं। तो 250 रुपए की ये मैंने खरीदी है, 250 रुपए में काफी सही चीज है ये। और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ हमारी मिनी हेलो किटी वाली पेंसिल बॉक्स, और इसमें व्हाइट बोर्ड भी दिया गया है, ये देखो ये रहा इसका व्हाइट बोर्ड,
तो ये बस स्टाइल की पेंसिल बॉक्स है, ये ऐसे खोलते हैं इसको और इसके अंदर मिलता है हमें शार्पनर, इरेजर, एक मार्कर मिलता है, स्केल मिलता है बहुत ही प्यारा हेलो किटी वाला, और हेलो किटी वाली एक पेंसिल भी इसके अंदर जो है हमें मिलती है। और ये गाइस ये पेंसिल बॉक्स जो है अंदर घुस गई है, तो इसको हटाने के बाद में, कंटेनर हटाने के बाद में नीचे भी आपको स्पेस मिल जाता है, बट ये इसके अंदर फंस गया है, मैं बाद में निकाल दूंगा इसको। तो ये देखिए इधर एक मार्कर दिया गया है जो आप पीछे आप इस तरीके से जो है लिख के लिख लिया और इससे आप मिटा सकते हैं। तो गाइज है ना कितनी बढ़िया चीज, ये बहुत ही काम की चीज है, कई बार ये चीजें बहुत काम में आ जाती है हमारे। तो ये देखिए ये मैंने खरीदे 200 रुपीज की ये पेंसिल बॉक्स, बहुत ही मेटल की बनी हुई है ये भी पूरी की पूरी। और मैं आपको दिखाता हूँ और भी बहुत सारी पेंसिल बॉक्स। अब हम देखेंगे गाइज हमारी ट्रेन वाली पेंसिल बॉक्स, ये देखिए ये ट्रेन स्टाइल की पेंसिल बॉक्स है, ये देखिए ये कुछ इस तरह के प्लास्टिक बैग में आती है, ये मैंने खरीदी है 170 रुपीज की। और इधर एक शार्पनर दिया जाता है, इधर से आप पेंसिल डाल के शार्प कर सकते हैं अपनी पेंसिल को, सारा कचरा इसी के अंदर स्टोर हो जाता है। और ये इसको ऐसे खोलेंगे तो सबसे ऊपर आपको ये वाला स्पेस मिलता है, काफी गहरा स्पेस है ये, काफी ये देख सकते हो आप दो इंग्लिश में चली गई है, काफी गहरा स्पेस मिलता है। और इधर खोलने पर भी आपको काफी गहरा जो है स्पेस मिल जाता है, और इसको कुछ इस तरीके से आप चला करके खेल भी सकते हैं। ये देखो आप जमीन पर इसको चलाकर खेल भी सकते हैं, और ये भी आधी मेटल की और आधी प्लास्टिक की बनी हुई है, ये देखो दोनों तरफ से आप देख सकते हैं। तो ट्रेन स्टाइल की पेंसिल बॉक्स कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, ये 170 रुपीज में मैंने खरीदी है। और उसके बाद अगर हमारे पास बस स्टाइल की पेंसिल बॉक्स, ये भी मैंने 170 रुपीज की खरीदी है, ये भी मैं आपको निकाल कर दिखा देता हूँ। और ऑनलाइन गाइज आपको 400-500 की मिलेगी, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। और इसमें भी गाइज इधर दिया गया है शार्पनर, ये देखिए कहाँ गया इसका शार्पनर, ये रहा इसका शार्पनर, ऐसे खोलना पड़ता है, तो इधर से आपको शार्पनर मिल जाता है, इधर से पेंसिल डाल के आप पेंसिल को शार्प कर सकते हैं और बाद में इधर से खोल करके जो है कचरे को निकाल सकते हैं। और ये देखिए आगे साइड से ऊपर से नीचे से कुछ इस तरीके से नजर आती है, और इधर मिलती है आपको स्पेस, इधर आपको डुअल स्पेस मिलती है, उसमें सिंगल स्पेस थी इसमें डुअल स्पेस है, तो इसमें खोलते ही आपको एक स्पेस मिलती है इधर और एक मिलती है इधर, ये देखो ऐसे खुलती है ऐसे बंद हो जाती है। और इधर को खोलने के बाद में आपको टेबल मिलती है यहाँ पर बहुत सारी, और यहाँ पर आप जो है बहुत सारा सामान अपना रख सकते हैं। तो ये पेंसिल बॉक्स 170 रुपीज में कैसी है कमेंट में जरूर बताना गाइज। और इसके बाद गाइज मैं आपको दिखाता हूँ हमारी काफी बढ़िया, ये देखिए एवेंजर्स वाली, ये देखिए बहुत ही प्यारी पेंसिल बॉक्स, ये देखिए इसके अंदर हमें मिलता है इधर कैलकुलेटर, इधर मिलता है कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, और इधर मिलता है हल्क, ये देखिए इधर हमें मिलता है हल्क, कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन और थॉर, थॉर ने हैमर भी लिया हुआ है, और ये पूरी ब्लू कलर की लगती है, काफी बढ़िया पेंसिल बॉक्स है। सबसे बड़ी बात है इधर इधर एक थ्री कैलकुलेटर है जो आप कैलकुलेशन वगैरह जैसे 1+1=2, ये देखो ये कैलकुलेटर काम भी करता है, ये मैंने इसके लिए आपको कैलकुलेशन छोटा सा करके दिखाया है। और ये देखिए इसको खोलने के बाद में एक सरप्राइज है इसके अंदर, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये रहा इसका सरप्राइज, ये देखो इधर एक 3D एक स्टिकर दिया गया, ये देखो इमेज ये बदलता है, ये देखो ऐसे खोलने पर आता है डोरेमोन, ऐसे करने के बाद आता है इसका नाम क्या गाइस मैं भूल गया, सुनियो नहीं गाइस मैं भूल गया, नोबिता और डोरेमोन, ये देखो डोबिता और डोरेमोन आते हैं, 3D स्टाइल है। और आप चाहे तो इसको पलट भी सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से पलट जाता है, तो इससे कि आपका कैलकुलेटर अंदर आ जाता है और आपका 3D डोरेमोन और स्पाइडरमैन जो है ऊपर आ जाता है। तो ये मुझे काफी यूनिक चीज लगी इसलिए मैं आपको दिखा दी। तो ये देखिए और इधर हमें मिलता है इधर अपने पेन पेंसिल्स वगैरह अटका करके आप आसानी से रख सकते हैं। और इधर आप देखिए इधर आपको टेबल मिलती है और यहाँ आप अपने पेन पेंसिल स्केल इरेजर शार्पनर वगैरह इजीली रख सकते हैं। तो ये गाइस ये मैंने खरीदी 150 रुपीज की पेंसिल बॉक्स। तो 150 रुपए में पेंसिल बॉक्स कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताना, ये मुझे बहुत ही बढ़िया लगती है। और इसके बाद गाइज हमारे पास एक मिनी साइज की कार स्टाइल की पेंसिल बॉक्स, ये देखिए एक हमारे पास बड़ी है स्पाइडरमैन की, एक छोटी है। तो ये देखिए काफी बढ़िया है ना ये दोनों, इनकी लुक बढ़िया है, ये भी दोनों की दोनों मेटल की बनी हुई है। तो ये वाली मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, इधर स्पाइडरमैन है, इधर स्पाइडरमैन, इधर स्पाइडरमैन है, और इसका नाम क्या है कैरेक्टर का कमेंट में जरूर बताना, आपको पता हो तो, मुझे नहीं पता है। इधर व्हील्स दिए गए हैं और इधर भी व्हील्स दिए गए हैं। तो ये कुछ इस तरीके से खुलती है, और इसके खुलने के बाद में गाइस हमें सरप्राइज मिलता है। तो ये देखिए एक मिनी कार और मिल जाती है यहाँ पर, और इसको भी खोल करके आप इसके अंदर भी छोटी मोटी चीजें जो है रख सकते हैं, बहुत ही आराम से रखा जा सकता है। और ये देखिए इधर मिलती है आपको एक स्पेस ऊपर मिल जाती है, इधर भी आप अपनी बहुत सारी चीजें रख सकते हैं, और इसके नीचे भी आपको एक एक स्पेस और मिल जाती है। तो 150 रुपीज में पेंसिल बॉक्स मिलती है, और कितनी सारी स्पेस आपको जो है मिल जाती है आप देख ही सकते हैं। तो 150 रुपीज में गाइस मुझे लगता है वैल्यू फॉर मनी है, ये देखिए। और इसको आप ट्रे को आप इस तरीके से लगा करके वापस से जो है रख सकते हैं, और इधर से आपको जो है इसके अंदर एक ट्रांसपेरेंट लुक भी दिखती है, जहां से आप इसके अंदर क्या रखा है वो आप देख भी सकते हैं। तो ये गाइज 150 रुपीज में काफी बढ़िया जो है पेंसिल बॉक्स है, और ये भी मैंने दिल्ली की चांदनी चौक मार्केट से जो है खरीदी है। और इसके बाद गाइज हमारे पास एक यूनिकॉर्न वाली बहुत ही बढ़िया जिप वाली पेंसिल बॉक्स, तो इसमें यूनिकॉर्न की आईज भी दी गई है,
यूनिकॉर्न्स का इसमें यूनिकॉर्न का सींग भी है और यूनिकॉर्न्स के कलरफुल जो है बाल भी है, कलरफुल टेल भी है, तो काफी प्यारी लगती है, गर्ल्स को बहुत पसंद आएगी। और इधर यूनिकॉर्न जो है पाइनएप्पल से पकड़ के लटका हुआ है और इधर यूनिकॉर्न्स लिखा हुआ है। और देखिए पूछे से काफी कलरफुल और काफी प्यारी ये लगती है, नियॉन कलर्स इधर दिए गए हैं। और ये देखिए इधर से आप इसको कुछ इस तरीके से खोल सकते हैं। और ये मैंने खरीदी है 120 रुपीस की गाइस, ये इस तरीके से खुल जाती है जिप, और जिप इसकी हार्ट शेप की इसकी जिप दी गई है, ये देखो दिल वाली जिप है, काफी प्यारी लगती है। तो इस तरीके से खुलती है और खुलने के बाद में आपको इधर बहुत सारा स्पेस मिल जाता है। ये आप जिप खोल करके आप यहाँ पर बहुत सारा सामान इजिली जो है छुपा करके रख सकते हैं, जिससे कि आपका सामान गुम भी नहीं होगा। ये देखिए और इधर अपने पेन पेंसिल और स्केच वगैरह आप इधर अटका के रख सकते हैं। ये केमिकल दिया गया है और इसको जब आप यूज करेंगे तो इस केमिकल को फेंक देना है। तो ये देखिए और इधर आप अपनी पेन पेंसिल इधर शार्पनर वगैरह स्केल वगैरह कंपास वगैरह सब कुछ इधर रख सकते हैं, बहुत ही आराम से जो है इसके अंदर आ जाता है। ये देखिए और कुछ इस तरीके से बंद हो जाती है और इसमें से सामान गिरने का खतरा भी नहीं रहता है। और काफी हल्की, काफी लाइट वेट और काफी अच्छी क्वालिटी की है पेंसिल बॉक्स है, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। ये गर्ल्स के लिए दिखाने के लिए स्पेशल मैं लेकर आया हूँ, और एक हेलो किटी वाली और ये प्रिंसेस वाली भी मैं गर्ल्स के लिए स्पेशल दिखाने के लिए लेकर आया हूँ। इसके बाद गाइज मेरे पास दो पेंसिल बॉक्स और है, वो फ्रेम में नहीं आ रही थी तो मैंने बाहर रख दी थी, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो एक है हमारे पास ये ट्रेन स्टाइल की मरमेड ट्रेन वाली पेंसिल बॉक्स है, और ये देखिए दूसरी हमारी जो है स्पेस स्टाइल वाली जो एक पेंसिल बॉक्स है। ये देखो ये दो पेंसिल बॉक्स का रिव्यू और दिखाने वाला हूं मैं आपको। तो ये फ्रेम में नहीं आ रही थी, फ्रेम काफी भर गया था तो मैंने इनको साइड में रख दिया था, तो मैं इनको लेकर आ गया हूं, तो मैं इनको भी आपको दिखा देता हूं। ये देखिए ये स्पेस वाली पेंसिल बॉक्स है, काफी बढ़िया। ये देखिए हमने इसको खोल दिया है और ये देखिए ऊपर से आपको एक एस्ट्रोनॉट दिख रहा है, एस्ट्रोनॉट टेडी है, और ये ट्रक टॉय है। ये देखिए 6 पावर मैक्स इधर लिखा हुआ है, इधर ट्रक टॉय लिखा हुआ है। ये देखिए इधर एक व्हाइट बोर्ड दिया जाता है और इसके अंदर भी आप मार्कर मिलता है, मार्कर से आप लिख सकते हैं। तो इसको खोलकर दिखाता हूँ। फर्स्ट लुक इसकी, तो इसमें काफी अच्छी क्वालिटी का स्केल मिल रहा है आपको, ऊपर एक पेंसिल मिल रही है, पेंसिल के ऊपर इरेजर भी लगी हुई है, एक ट्रांसपेरेंट छोटा सा शार्पनर है, और एक ये देखिए एक इरेजर है, और एक आपको मिलता है इधर एक वो परमानेंट मार्कर मिलता है, परमानेंट तो नहीं बोलेंगे, एक मार्कर ही बोल सकते हैं। और ये इसको इस तरीके से आप जो है इधर कुछ भी लिख सकते हैं और इससे बाद में जो है मिटा सकते हैं। तो ये काफी बढ़िया जो है मार्कर वाले पेंसिल बॉक्स है, छोटी मोटी कैलकुलेशन करने के लिए काफी काम आती है मार्कर्स वगैरह। और ये देखिए इसको बंद कर सकते हैं, इधर लुक दी गई है ट्रांसपेरेंट, अंदर क्या रखा है दिख जाता है और इस तरीके से खुल जाती है। और ये देखिए इसके नीचे भी आपको काफी बढ़िया जो है स्पेस मिल जाता है, यहाँ पर भी आप बहुत सारे सामान जो है अपने छुपा करके रख सकते हैं। ये देखिए काफी गहरा स्पेस है, आपको दिख ही रहा होगा, इसके अंदर भी आपको काफी सारा सामान जो है आराम से जो है आ जाता है। तो ये देखिए इसको बहुत ध्यान से रखना पड़ता है, ये भी मेटल की बनी हुई है, ये भी काफी अच्छी क्वालिटी है, सालों साल ये खराब नहीं होती है। और उसके बाद गाइस हमारे पास है मरमेड ट्रेन वाली एक पेंसिल बॉक्स, इधर दिया गया है शार्पनर, इधर से पेंसिल डाल के शार्प कर सकते हैं आप। और ये देखिए इधर व्हील्स दिए गए हैं, इसको आप चला करके खेल भी सकते हैं। और इधर से खुलती है, इधर काफी गहरा स्पेस आपको मिलता है, यानी कि काफी सारी चीजें एक के ऊपर एक करके रख सकते हैं आप आराम से। और ये देखिए इधर भी आप देख सकते हैं, इधर आपको मिलती है एक पेन पेंसिल वगैरह इधर लटका के रख सकते हैं। इसका मैनुअल दिया गया पर ये चाइनीज लैंग्वेज में लिखा हुआ तो पढ़ नहीं पाएंगे हम लोग, तो और इस तरीके से आप जो इसको चला करके खेल भी पाएंगे ट्रेन को। तो जिन लोगों को ट्रेन से खेलना पसंद है, ट्रेन टॉय का सपना भी पूरा हो जाएगा और आपकी पेंसिल बॉक्स भी आपके पास रह जाएगी। तो ये कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और इसके बाद गाइस हमारे पास एक स्पेस वाली एक और पेंसिल बॉक्स, ये देखिए हे आई लव स्काई लिखा हुआ है, इधर एक एस्ट्रोनॉट बना हुआ है और इधर बना हुआ है सन, और इधर दो प्लैनेट्स बने हुए हैं, और ये कौन से प्लैनेट्स हैं अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताना। और इधर भी सेम वही डिजाइन दिया गया है। तो ये देखिए इधर एक स्पेस है, इसको खोलते हैं, ये एक सीक्रेट स्पेस है, काफी गहरा है, आप देख सकते हो मेरी उंगलियां कितनी ज्यादा अंदर चली गई हैं। तो आप इसके अंदर काफी सारा सामान जो है रख सकते हैं। और ये देखिए इधर एक स्पेस है, इधर आप अपनी पेन पेंसिल वगैरह अटका के रख सकते हैं, इधर टाइम टेबल के लिए स्लिप दी गई है, इधर अपना टाइम टेबल लिख सकते हैं। ये देखिए इधर पेन पेंसिल वगैरह अटका के रख पाएंगे और इसको बटन दबाएंगे तो इधर आपका शार्पनर का स्पेस खुल जाता है और इधर से आप जो है अपनी पेंसिल को शार्प कर सकते हैं। ये देखिए खुलने के बाद कुछ इस तरीके से जो है नजर आती है, ये सारे स्पेस बंद कर देते हैं और इधर से खोलते हैं, इधर भी आपको काफी बढ़िया जो है स्पेस मिल जाती है गाइज। ये देखिए इधर हमने काफी सारी चीजें स्टेशनर आइटम जो है रख सकते हैं। ये गाइज मैंने खरीदे 200 रुपीज की, तो और ऑनलाइन आपको एक मिलेगी लगभग 400 रुपीज की, बट ये मैंने ऑफलाइन मार्केट से खरीदी है तो मुझे काफी सही चीप प्राइस में सारी पेंसिल बॉक्स जो है मिल गई है। तो यही पेंसिल बॉक्स मैंने अगर मान लो 5,000 की मैंने ऑफलाइन मार्केट से खरीदी है, अगर मैं इनको ऑनलाइन खरीदता तो ये मुझे 10,000 की पड़ जाती। तो ऑलमोस्ट मैंने आपको अंदाजा बता दिया कि ऑफलाइन आप कितना सस्ता कुछ चीजों को खरीद सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऑनलाइन ज्यादा सस्ती मिलती है, ऑफलाइन महंगी मिलती है, तो ऐसी भी कुछ चीजें होती हैं। तो सभी तरह की चीजें मार्केट में मिलती हैं। तो ये देखिए आयरन मैन की पेंसिल बॉक्स है, इधर लिखा हुआ है मार्वल, और ये मार्वल की मूवीज देखना मुझे बहुत पसंद है, और इधर 3D स्टाइल में द इनविंसिबल आयरन मैन लिखा हुआ है, काफी 3D स्टाइल में लिखा हुआ है। ये ऐप आपको कैमरा स्क्रीन में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आपको रियल में देखेंगे तो काफी 3D लुक जो है
पेंसिल बॉक्स का जो है नजर आता है। और इसके बाद गाइज ये देखिए, इधर आपको मिलती है एक स्पेस, ये देखिए प्लास्टिक की, पूरी प्लास्टिक की बनी हुई है ये, और प्लास्टिक की पेंसिल बॉक्स भी बहुत अच्छी होती है क्योंकि ये खटखट आवाज नहीं करती है मेटल की पेंसिल बॉक्स की तरह। ये देखिए इधर आप अपनी बहुत कुछ सामान जो पेंसिल स्केच वगैरह रख सकते हैं, और ये स्पेस इस तरीके से इधर दिया गया है, इसको हटा के इस तरीके से निकाल सकते हैं चीजों को। और इधर आपको मिलता है एक, ये देखिए एक टाइम टेबल के लिए स्लिप मिलती है, ये देखिए ये स्टिकर स्टाइल है, इसको बाद में हटा करके आप नीचे चिपका सकते हैं। और इसमें मिलते हैं काफी कलरफुल एक पेंसिल, एक काफी कलरफुल एवेंजर्स वाला पेंसिल स्केल, और एक छोटी सी इरेजर। तो ये चीजें इसके अंदर जो है मिल जाती हैं। ये काफी बढ़िया, ये 80 रुपीज की मैंने खरीदी है पेंसिल बॉक्स, 80 रुपीज में वैल्यू फॉर मनी है। और अब आपको मैंने सारी की सारी जो हमारी पेंसिल बॉक्स है वो दिखा दी, आप देख सकते हैं सबकी सब मैंने आपको दिखा दिया, एक एक करके, एक भी छूटी नहीं है, सबका रिव्यू मैंने आपको दिखा दिया। तो आप कमेंट में बताओ कि सबसे फेवरेट आपकी पेंसिल बॉक्स कौन सी लगी, और टॉप 5 पेंसिल बॉक्स भी लिख सकते हैं कि टॉप 5 पेंसिल बॉक्स जो आपको सबसे अच्छी लगी। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो गाइस वीडियो को कर देना लाइक, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करना ताकि वो भी देखकर एंजॉय कर सके। और आप नए हैं चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और ऐसी वीडियोस आपको देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस हमेशा ही हमारे चैनल पर जो है आते रहते हैं। बाय बाय दोस्तों।